मेरा नाम है वान और मैं हूँ 8 साल का। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी जिसका नाम है रिलैक्सो वर्सेस बाटा। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि बाटा जो है फुटवेयर इंडस्ट्रीज में मोनोपोली करती थी, पर दोस्तों अगर आपको फुटवेयर इंडस्ट्रीज में और ज़्यादा जानना है तो दोस्तों मैं बता दूँ कि 30 ईयर्स से जो है रिलैक्सो मोनोपोली कर रहा है पूरी इंडिया की बाटा के हटाकर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ चीज़ें और 3 स्ट्रेटजीज जो कि रिलैक्सो ने करी है। तो दोस्तों फर्स्ट है कि उन्होंने जो अपना बिजनेस एक्सपेंशन है वो बहुत बड़ा करा है, पहले तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो दुआ फैमिली थी, ये जो रिलैक्सो कंपनी है ये दुआ फैमिली की है। तो दुआ फैमिली जो है उसमें से राकेश दुआ जो है जो कि इस कंपनी के ओनर है, तो वो 17 साल की उम्र में इस कंपनी को ज्वाइन कर। तो दोस्तों दुआ फैमिली दो चीज़ें बनाती थी, फर्स्ट की प्लास्टिक एंड रबर स्लिपर्स फुटवेयर, ठीक है दोस्तों, और एक तो साइकिल बनाती थी। तो दोस्तों जो हमारे दुआ सर थे तो उन्होंने बोला कि साइकिल में तो हीरो जो है मोनोपोली कर रहा है तो मैं साइकिल से हट जाता हूँ। उन्होंने देखा कि जब लिबरलाइजेशन नहीं दोस्तों, जब कि पूरी इकोनॉमी डाउन हो रही थी, जब बहुत तेज़ी से डाउन हो रही थी इकोनॉमी, जब जो है आपका सारे शॉप छोटी छोटी शॉप जो है वो बिल्कुल नीचे हो गई थी, उनके शॉप्स बंद हो गए थे, पर उन्होंने जब देखा कि बाटा के स्टोर्स अच्छी तरह फुलफिल्ड चल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बाटा के पास ब्रांड की पावर और उससे डबल हमें ब्रांड की पावर बननी है। तो दोस्तों जब भी उन्होंने सोच लिया मैं कंपनी बनाऊंगा फुटवेयर की जिसका नाम है रिलैक्सो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं फटाफट से 3 स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोड साइड और रिलैक्सो में क्या डिफरेंस है। रिलैक्सो इज अ ब्रांड नाउ, पहले रिलैक्सो और बाटा का यही डिफरेंस था। रिलैक्सो जो है सिंपल स्लीपर वाली थी, पर अभी वो एक ब्रांड बन गई, पावरफुल ब्रांड बन गई, और जो बिल्कुल लोग होते हैं जो बाकी सब लोग हैं वो अभी ब्रांड ही बने इसलिए उनके कभी भी ठप हो सकते, पर रिलैक्सो अभी बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उनकी स्ट्रेटजी। तो दोस्तों उनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी कि उनके जो टारगेट कस्टमर है वो है 130, मतलब टारगेट कस्टमर है वो है लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। मिडिल क्लास पे उन्होंने अभी तक करा नहीं है उतना, ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने करा नहीं है तो इसलिए वो जो है अपनी प्राइस बहुत कम रखते हैं, बहुत कम, 135 से लेकर 145 के बीच में उनकी जो है स्लीपर्स की वो लोग प्राइस रखते हैं दोस्तों। तो इससे जो है लोकल लोग इंडिया में ज़्यादा है जिसकी उनका जो है कस्टमर एक्सपीरियंस जो है बड़ा और लोग ज़्यादा आए उनके पास। बाटा वाला क्या करता है हायर क्लास में करता है या फिर मीडियम क्लास में करता है, पर ये लोअर क्लास में करता है जिधर की ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनकी जो सेल्स बढ़ जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग समझते हैं कि आप सोचोगे ये लोग इतना सस्ता करते कैसे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते। तो दोस्तों ये इतना सस्ता करते ऐसे क्योंकि ये जो है दूसरों से जो है कंपोनेंट्स मंगवाते हैं पर खुद बनाते हैं उन कंपोनेंट्स को जोड़ के। जैसे कि आप कोई चीज़ लाते हो, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको मंदिर बनाना है तो आप मंदिर के लिए बहुत सारी चीज़ें ला दोगे, है ना, फिर उसको थोड़ा आर्ट कर मंदिर बना दोगे। ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन्होंने सारी चीज़ें मंगवाते हैं पर बनाते खुद है, तो उन्होंने वैसे ही करा, वो बनाते खुद है इसलिए उनको मालूम रहता है कि 100% क्वालिटी है, 100% क्वालिटी है, मतलब कि उनका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा। तो दोस्तों इसलिए वो लोग इतना सस्ता बेचते, समझ गए दोस्तों। फिर दोस्तों उसके बाद थर्ड स्ट्रेटजी हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों उनकी थर्ड स्ट्रेटजी है कि इन्होंने जो है अटेंशन ग्रैब करा, मतलब कि आप सोचेंगे कि जब लिबरलाइजेशन हुआ
जब जब ये लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो लोअर क्लास और लोअर देन मिडिल क्लास में फोकस करता था, तो ये मिडिल क्लास में कैसे चला गया? मिडिल क्लास गए नहीं, बनाया अपनी कंपनी को ऐसे। कैसे दोस्तों? आप सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, बता दो दोस्तों। जब लोग जब लिबरलाइजेशन हुआ था, जब जो कंपनीज है वो खुल गई थी और लोग भी मिडिल क्लास वाले बाहर निकल गए थे, होटल्स में खाना खाते थे, मिडिल क्लास लोग शॉपिंग करते थे, ब्रांड अभी थोड़ा मीडियम क्लास की वो लोग जो है शॉपिंग करते थे, तो उन्होंने सोचा हम लोग ना खुद अपने स्लीपर्स को नहीं बनाएंगे मीडियम क्लास, हम लोग एक्टर्स को पहना कर दिखाएंगे। शाहरुख खान, कटरीना कैफ, ऐसे सब लोग जो है उन्होंने लिया और अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया दोस्तों, जिसकी उनकी सेल्स फटाफट बनने लगी। तो दोस्तों उनका रेवेन्यू की बात करें तो उनका रेवेन्यू जो है अभी 2022 में सबसे ज़्यादा है, एक बहुत ज़्यादा वो ग्रो कर रहे हैं 2016 के कंपैरिजन में, अभी जो है बहुत ज़्यादा हो गया। प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ इस साल। इस साल प्रॉफिट कम होने की वजह क्या है दोस्तों? तो दोस्तों उसकी वजह है कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है, इस वजह से जो चीज़ आती है उस वो बहुत महंगी हो गई है, इसलिए जो है उनकी थोड़ा महंगी मिलेगी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इनका बिजनेस नहीं चलेगा। अगर दोस्तों देखिए एक कंपैरिजन करते हैं कि यूएस यूके में एक आदमी के पास 7 पेयर्स ऑफ शूज़ रहते हैं, ठीक है, और इंडिया के अंदर 2 पेयर ऑफ शूज़ रहते हैं, तो अगर ये ग्रो हुए पेयर शूज़ एक आदमी के पास, तो इनकी जो है मार्केट आइडेंटिटी और बढ़ सकती है दोस्तों। और दोस्तों इनका बस एक ही प्रॉब्लम है कि इनको जो है टेंशन ग्रैब करना पड़ेगा, वरना ये सब लोग बाटा की तरफ जा पाएंगे। पर एक पॉजिटिव साइड बताना चाहता हूँ मैं उनकी, कि जब COVID-19 आया था, जब इनकी जब जो है बाटा की सेल्स बहुत नीचे गई 44%, कदीम स्पोर्ट्स की कदीम शूज़ जो है उसकी गई थी 38, और 19 किसी और कंपनी की थी वो मुझे मालूम नहीं है, और 2% सिर्फ गई थी किसकी, रिलैक्सो की। तो दोस्तों ये हमें बताता है कि कैसे रिलैक्सो भी ग्रो करी है। तो दोस्तों इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अलॉट।